नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप इसे ज्वाइन जरूर करें, इसकी मेंबरशिप जरूर लें, और हो सके तो अगर आप हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आप हमारा सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। अब हम बताते हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की लड़ाई। अब बार बार हर मामले में जिस तरीके से कोर्ट पहुंच रही है, उसी तरीके से अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर से एक अन्य मामले में जो बहुत ही चौंकाने वाला है उसमें भी कोर्ट पहुंच गई है। यानी कि जो संजय सिंह ने कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल से राहुल द्रविड़ कोर्ट आने के दौरान जिस तरीके से शोर मचाकर कहा था कि वीडियो से ऑडियो अलग कर दिए गए, गायब कर दिए गए, ईडी पर जो आरोप लगाए थे, बड़े गंभीर आरोप थे संजय सिंह ने, पार्टी ने उन सभी आरोपों को, संजय सिंह के आरोपों को बड़ी गंभीरता से लिया, और अब जो आम आदमी पार्टी है इस मामले में कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट में उन्होंने एक याचिका, एक एप्लीकेशन दाखिल करके ईडी से मांग की है कि कोर्ट सारे ऑडियो वीडियो मंगाए और देश को दिखाए कि किस तरीके से जो गवाहों से पूछताछ की गई थी, उनके जो ऑडियो बनाए गए थे, उनके जो वीडियो बनाए गए थे, उनमें से ऑडियो कैसे गायब हुए हैं, ये सारा मामला देखने के लिए अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर से कोर्ट के अंदर है और कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है। आज इस मामले पर जो आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं आतिशी मार्लिनो, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि देखिए किस तरीके से ऑडियो और वीडियो गायब कर दिए गए हैं, जिन्हें मांगने के लिए, जिन्हें दिखाने के लिए कि पूरे देश को दिखाया जाए, वो कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है। आइए देखते हैं आतिशी मार्लिनो ने क्या कहा। ऑडियो डिलीट करने वाला आरोप लगाया था, उसको ईडी सोर्सेस ये कह रहे हैं कि डिलीट नहीं किया है, बल्कि उनके पास सिस्टम ही ऑडियो रिकॉर्ड करने का अक्टूबर 2023 के बाद आया है। तो आपका ये दावा गलत है कि ऑडियो डिलीट कर दिया है। ये भी बहुत अचंभे की बात है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी बड़ी एजेंसी, इतना पैसा उस एजेंसी में लगता है, इतनी पावर उस एजेंसी के पास है, लेकिन उस एजेंसी को सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करनी पड़ती है। ईडी सामने तो आए, बताए तो सही, ईडी किसी आधिकारिक स्पोक्स पर्सन को सामने तो रखे, ईडी के डायरेक्टर सामने आए, उनके जॉइंट डायरेक्टर सामने आए, उनके डिप्टी डायरेक्टर सामने आए, और फिर बताएं। कम से कम अपने लेटर हेड पर तो लिख के भेजें, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ मैसेज फ्रॉम ईडी सोर्सेज को किस आधार पे माना जा सकता है। वैसे भी ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में हम ईडी के बयान का इंतजार करेंगे। ईडी अपना बयान दे, कोई ईडी का अफसर साइन करके बताए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो सीबीआई के ईडी के स्पेशल कोर्ट में जस्टिस नागपाल का आदेश था, कोई अफसर एफिडेविट पे साइन करके बताए कि हमने उसके कंटेम्प्ट में जाकर सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है। वो बताएं कि अगर कोर्ट का आदेश था और उनके सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था तो उन्होंने कैमरा हायर क्यों नहीं किया, उसमें तो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाती। ये साफ साफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और यही कारण है कि ईडी सामने नहीं आ रही है, यही कारण है कि कोई आधिकारिक तौर पे बयान नहीं दिया जा रहा, कोई लेटर हेड पे स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ईडी का कोई अफसर सामने नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग ना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करना टैम्परिंग ऑफ एविडेंस है, या तो एक हुआ है या दूसरा हुआ है। अब ईडी आधिकारिक तौर पर आके बताए कि उन्होंने पहला क्राइम किया है या दूसरा क्राइम किया है। दरअसल हम बताते हैं कि आपको के सुप्रीम कोर्ट के, आपने देखा होगा क्या बोली आतिशी मार्लिनो, दरअसल है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक कानून, एक नियम लागू करते हुए कहा था कि देश की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो जब गवाहों से बात करेंगी, पूछताछ करेंगी, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करेंगी,
तो वो ऑन कैमरा होना चाहिए, यानी कि ऑडियो और वीडियो के दौरान सीसीटीवी के दौरान वहां पर होने चाहिए और तब गवाहों से बयान उनके रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसी को आधार बनाते हुए आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह है, जो आबकारी घोटाले में शराब घोटाले के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले यह आरोप लगाया था कि उन्हें पता चला है कि ईडी ने सभी गवाहों के जो बयान रिकॉर्ड किए थे उनको सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तो है, यानी कि वीडियो तो है, ऑडियो सबके गायब कर दिए हैं ईडी ने। तो इस मामले पर उबाल आ गया राजनीति में और आम आदमी पार्टी ने इसे हाथों हाथ लिया और अब आम आदमी पार्टी इसे लेकर जो कोर्ट पहुंच गई है कि इनके सबके ऑडियो और वीडियो पूरे देश को दिखाए जाएं। और मांग की है जो आम आदमी पार्टी ने कि पिछले 1.5 साल में जितने भी इस मामले में गवाहों से पूछताछ की गई है उन सभी के ऑडियो और वीडियो पूरी पूरे देश को दिखाया जाए कि किस तरीके से उनसे पूछताछ की गई है और ईडी के ऑडियो पेश करके के सामने रखें, ऑडियो देश के सामने रखें, इस बात का उन्होंने मांग की है। बहुत बड़ा मामला है। अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हमलावर हुई है इस ईडी की इस बात को लेकर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या चीजें हैं, कि कितना ईडी इस पर क्या जवाब देगी। लेकिन ईडी के आतिशी ने जो इस पूरी जांच को फर्जी बता दिया है और आतिशी बार बार हमलावर हो रही है जिस तरीके से उन्होंने कहा है। आतिशी ने दावा किया कि हमारे एक विश्वस्त सूत्र ने बताया कि ईडी से मैंने पूछताछ के सभी वीडियो फुटेज में ऑडियो गायब कर दिए हैं, लिहाजा यह प्रश्न उठ रहा है कि बिना ऑडियो के कैसे पता चलेगा कि ईडी ने जिन गवाहों से बयान लिए वो सही या गलत है या फिर उनकी गवाही से मेल खाते हैं या नहीं। सच तो यह है कि ईडी की पूरी जांच ही फर्जी है। ये आरोप लगा रही है आतिशी मार्लेनो और आतिशी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। हालांकि इसमें ईडी का कहना है कि जिस वक्त ये बयान रिकॉर्ड किए गए थे उस वक्त उनके पास केवल सीसीटीवी फुटेज थे, वो इतने हाईटेक अत्याधुनिक नहीं थे और उनमें वीडियो उनकी बनाई गई थी जो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है और अदालतों को उन्होंने जो संबंधित अदालतें हैं जहां जहां पर इस मामले के केस चल रहे वहां उन अदालतों को मुहैया करा दिए गए हैं। और ईडी ने ये जो आरोप है ये सिरे से नकार दिए और इनको फर्जी बताया, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और लगातार ईडी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है कि एक जांच एजेंसी पर इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां उंगलियां उठाती हैं अपने आप को बचाने के लिए। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग जो भ्रष्टाचार कर करके पूरे दिल्ली का खजाने को लूट के खा गए वो अब जांच एजेंसियों पर ही उंगली उठा रहे। बड़ा मामला है, लेकिन देखना यह है कि याचिका लगाकर ये कोर्ट तो पहुंच गए, कोर्ट में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।